नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई की टीम 8 मैचों में 7 जीत और 1 हार के साथ 14 अंकों के सहारे तालिका में मजबूती से शीर्ष पर कायम है। हैदराबाद के खिलाफ जीतने से चेन्नई प्लेऑफ में लगभग अपना स्थान पक्का कर लेगी। सनराइजर हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल सीजन 12 का 33वां मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। हैदराबाद को हराकर मौजूदा चैंपियन चेन्नई आईपीएल के 12वें सीजन के प्लेऑफ में अपना स्थान पक्का करना चाहेगी। वहीं दूसरी तरफ लगातार 3 हार झेल चुकी पूर्व चैंपियन हैदराबाद की कोशिश जीत की पटरी पर लौटने की होगी। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई की टीम 8 मैचों में 7 जीत और 1 हार के साथ 14 अंकों के सहारे तालिका में मजबूती से शीर्ष पर कायम है। हैदराबाद के खिलाफ जीतने से टीम प्लेऑफ में लगभग अपना स्थान पक्का कर लेगी। चेन्नई ने अपने पिछले मैच में रविवार को 2 बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी। टीम के अधिकतर बल्लेबाज शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, जिनमें खुद कप्तान धोनी के अलावा शेन वॉटसन, पॉप डुप्लेसिस और सुरेश रैना शामिल हैं। वहीं गेंदबाजी में लेग स्पिनर इमरान ताहिर 8 मैचों में 13 विकेट लेकर गेंदबाजों की सूची में दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। उनके अलावा अनुभवी ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह और दीपक चाहर भी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। दूसरी तरफ 7 मैचों में 3 जीत और 4 हार के साथ तालिका में छठे नंबर पर मौजूद हैदराबाद की कोशिश लीग में अपनी स्थिति सुधारने की होगी। केन विलियमसन की कप्तानी वाली हैदराबाद को अपने पिछले मैच में घर में ही दिल्ली कैपिटल के हाथों 48 रन से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। दिल्ली से मिले 156 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही टीम एक समय 2 विकेट पर 101 रन बनाकर अच्छी स्थिति में थी, लेकिन फिर इसके बाद वह मात्र 15 रन के अंदर ही अपने बाकी के 8 विकेट गंवाकर 116 रन पर ढेर हो गई थी। हैदराबाद की टीम की समस्या ये है कि यह अपने कुछ खिलाड़ियों पर ही निर्भर होती जा रही है। इसमें ओपनर डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो शामिल हैं। वार्नर इस समय बल्लेबाजों की सूची में 7 मैचों में 400 रन बनाकर शीर्ष पर चल रहे हैं। वहीं बेयरस्टो इतने ही मैचों में 304 रन के साथ छठे नंबर पर है, लेकिन टीम का मध्य क्रम बेहद कमजोर नजर आ रहा है और इसका उदाहरण दिल्ली के साथ मैच में देखा जा चुका है। विश्व कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में जगह पाने वाले हरफन मौला खिलाड़ी विजय शंकर भी पिछले मैच में 1 ही रन बना पाए थे। उन्होंने लीग के 7 मैचों में अब तक 132 रन बनाए हैं और ऐसे में टीम को उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। गेंदबाजी विभाग में टीम के गेंदबाज अच्छा कर रहे हैं। इनमें लेग स्पिनर राशिद खान, मोहम्मद नबी, संदीप शर्मा और भुवनेश्वर कुमार शामिल हैं। संदीप और नबी ने क्रमशः 7 और 4 मैचों में 8 और 4 विकेट चटकाए हैं। दोनों टीमों की तुलना करें तो आज के मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का पड़ा ज्यादा भारी है। खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।